सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अतिशय गंभीर आहे। जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांवर संकट आलं तेव्हा तेव्हा शेतकऱ्यांच्या मागे सरकार उभं राहिलं। गेल्या 1.5 वर्षामध्ये शेतकऱ्यांना 12,000 कोटीपेक्षा जास्तीची मदत आपल्या सरकारने केली आहे। मी आणि देवेंद्रजी स्वतः काल परवाच बांधावर गेलो, शेतावर गेलो, धानाच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आणि आतापर्यंत राज्यामध्ये जे जे नुकसान झालं अवकाळी गारपीट आणि अतिवृष्टीमुळे या सगळ्याचे युद्ध पातळीवर पंचनामे करण्याच्या सूचना निर्देश दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना आम्ही वाऱ्यावर सोडणार नाही। शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे राहू, त्यामुळे आम्ही पूर्णपणे गंभीर आहोत। परंतु जे बोलत आहेत ते 14 दिवसानंतर इकडे अधिवेशनात आले ते किती गंभीर आहेत हे फक्त स्वतःचं आत्मचिंतन आणि आत्मपरीक्षण करावं। संजय राऊत आरोप करतात, बिलकुल बिलकुल मदत होईल, शेतकऱ्यांना पूर्ण मदत होईल। आर्टिकल उद्धव ठाकरेंनी आरोप केलाय सत्ताधारी मंत्री गुंडागिरी करतात, आमदार गुंडागिरी करतात। अरे बाबा, जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा तुमच्या पत्रकाराला जेलमध्ये टाकण्याचं काम कोणी केलं? ते आपल्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांच्या नवरा तो आमदार रवी राणा, एका महिलेला 15 दिवस जेलमध्ये टाकण्याचं पाप कोणी केलं? राणे केंद्रीय मंत्री असताना आम्हाला तर तुम्ही रोज शिवाशाप देताय, परंतु तुम्हाला एक शब्द बोलल्यानंतर त्याला जेवणाच्या त्यांना ताटावरून उठवण्याचं पाप कोणी केलं? ही गुंडगिरी दादागिरी आणि हे काही सत्तेचा गैरवापर कोणी केला? तुमच्या विरुद्ध बोललं की तुमच्या पत्रकारांना पण जेलमध्ये टाकलंय। अंबानींच्या मुकेश अंबानींच्या घराखाली ते स्फोटक लावलं, जिलेटीन कुणी लावलं? तो कुणाचा माणूस होता? त्यामुळे स्वतः बोलताना दुसऱ्याकडे बोट दाखवताना 3 बोटं आपल्याकडे असतात, त्यामुळे आत्मचिंतन करण्याची त्यांना आवश्यकता। कोण संजय राऊत? शीतल म्हात्रे उत्तर देते। चांगला काहीतरी प्रश्न विचारा। क्या बोले, फिर से पूछो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये पूरे देश के जनता के दिल का ये निर्णय है, क्योंकि अखंड हिंदुस्तान, अखंड भारत ये हमारी संकल्पना है। और मैं ये भी कहूँगा, हमारे हिंदू हृदय बाबा साहेब ठाकरे जी का भी यही सपना था, करोड़ों देशवासियों का ये सपना था कि धारा 370 हटे, और वो मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाई गई। गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पूरी प्लानिंग कर दी और उसको हटाने के बाद आज कश्मीर में लोग खुले हवा में सांस ले रहे। मैं कई बार अभी कश्मीर गया, जहाँ पर लाल चौक में जहाँ पर कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता है वह हमारे मोदी जी ने तो वहाँ पहले फहराया, और हमारे सब कार्यक्रम आज लाल चौक में होते हैं क्योंकि धारा 370 हट चुकी है और इस पे सिक्का मोर्तब सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये बहुत बड़ा निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का है, लोगों के जनता के जनता की आवाज है। और दूसरी बात एक भी बताऊंगा कि कश्मीर में
महाराष्ट्र सदन भी बन रहा है, महाराष्ट्र भवन भी बन रहा है। भारत में लिया जाए, पीओके का भी समावेश भारत में किया जाए, उद्धव ठाकरे ने डिमांड किया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये अखंड हिंदुस्तान, अखंड भारत, ये सपना मोदी जी का है और निश्चित रूप से मोदी जी ने हमारे देश को एक नया आयाम दिया है, नई ऊंचाई पर ले गए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को पूरे 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम किया है। जब पूरी दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगाई है, चरमरा गई है, ऐसी परिस्थिति में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन का किया है और उनका सपना है, पूरे देशवासियों का सपना है अखंड हिंदुस्तान बने, और निश्चित रूप से मोदी जी करेंगे। अरे भैया, मोदी जी गारंटी देते तो पूरा करते है और राहुल गांधी गारंटी देते है तो भूल जाते है, बोलते है प्रिंटिंग मिस्टेक था। राजस्थान में ऐसा ही उन्होंने किया, गए बोले 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कर्जा तो 5 साल माफ नहीं किया, 19,000 किसानों की जमीन के नीलामी कर दी, 600-700 लोगों ने आत्महत्या कर दी और इसलिए राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी NDA को और मोदी जी की गारंटी को वोट दिया है। बिल्कुल, शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे आम्ही उभे राहणार, शेतकऱ्यांना पूर्ण मदत देणार, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार, किसानों को पूरी तरह मदद करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जो आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, वो लोग उनके सरकार के समय पर कितनी मदद उन्होंने सरकार ने की है किसानों को और हमारी सरकार ने कितनी मदद की है, उसका कंपैरिजन करे, तुलना करे, तो यहाँ पर 1.5 साल में 12,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर किसानों को मदद करने का काम किया है। आज भी किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार उनको पूरी मदद करेगी। कडून देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचं काम सुरू आहे, मोदी गॅरंटी पूर्ण करतात, राहुल गांधी दिलेली गॅरंटी विसरतात असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलेलं आहे। तसंच मोदींकडून देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचं काम सुरू आहे असं म्हणत त्यांनी कौतुकही केलेलं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं।